जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, तेरे जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, 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 तेरे जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, तेरी जन्मभूमि में साई आए बिछड़े बहन भाई, 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 तेरी पूजा करने बाबा तेरी प्रशांति में आएंगे, 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 तेरे जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, जन्मदिन में साई तुझे कोटि प्रणाम करेंगे, धन्य है ईश्वरामा मेरे साई को तुमने जन्मा, 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 23 नवंबर को बाबा तेरे भजनों का गान करेंगे, 23 नवंबर को बाबा तेरे भजनों का गान करेंगे, 23 नवंबर को बाबा साई भजनों का गान करेंगे, 23 नवंबर को बाबा साई भजनों का गान करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू साई रामा, 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 happy birthday to you Sai Rama, 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 श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि आप अपने विचार पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि विचार से वाणी, वाणी से कर्म, कर्म से आदत, आदत से आचरण और आचरण से आप बने, जैसा आचरण वैसा इंसान। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केमचो, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है झनकार नामक प्रोग्राम में, विमेंस हिंदी रेडियो प्रोग्राम, बहनों का कार्यक्रम, महिलाओं का प्रोग्राम। उम्मीद रखती हूँ आपका गुजरा हुआ हफ्ता सही सलामत रहा है।
उम्मीद रखती हूँ कि आज का सारा प्रोग्राम जो हम आधारित कर रहे हैं श्री सत्य साई बाबा के जन्मदिन पर, आपको मन भाएगा और आप पसंद करेंगे। एक घंटे का प्रोग्राम में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत एक बार फिर से मैं कर रही हूँ, प्रतिमा का साथ है। और हमारे प्रोग्राम को आप प्लेनेट एफएम 104.6 की लहरों द्वारा सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को जरूर सुन सकते हैं। और आइए भाई बहनों, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें आप भगवान श्री सत्य साई बाबा के बारे में सुनेंगे और इसके अलावा सुंदर सुंदर भजनों से मैं आप सभी को आनंद प्रदान करने की कोशिश करूंगी। तो आइए आज का दूसरा भजन आपके खिदमत में। Happy birthday to you, Sai Baba. 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 Happy birthday.
बाबा ने कहा है कि अपना दिन प्यार के साथ शुरू कीजिए, प्यार से दिन को भर दीजिए, हर पल प्यार के साथ दिन बिताइए, दिन का अंत भी प्यार के साथ कीजिए। यही रास्ता भगवान का सही रास्ता है। और भाइयों बहनों, आइए अब हम शुरू करते हैं सत्य साई बाबा की कहानी। ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल कहानी, जिसे सुनकर आप लोगों का उद्धार होगा। भारत के दक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश के पास एक छोटे से गांव में एक खुशहाल दंपति थे। वे भगवान का ध्यान और पूजा में अपना समय गुजारते थे। बहुत समय के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। उस बच्चे का नाम सत्यनारायण रखा गया। यही सत्यनारायण आज भगवान सत्य साई बाबा बनकर लोगों की सेवा और उद्धार करते हैं। सत्यनारायण से भगवान सत्य साई बाबा होने तक बहुत सी गहरी और रोमांचक घटनाएं घटी। इसी कहानी को हम आज सुनाने जा रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा तब तब वे अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कार्तिक मास के अरुद्र नक्षत्र और शुक्ल पक्ष के एक पवित्र सोमवार 23 नवंबर 1926 के दिन भगवान सत्य साई बाबा का जन्म हुआ। उनकी माता थी ईश्वरम्बा और पिता पेद्दराजू। बाबा को ईश्वर का अवतार माना जाता है। वे ब्रह्म विष्णु के भी अवतार हैं। बाबा बचपन से ही बहुत दयामयी हैं। 8 साल की उम्र में ही वे भजन, कीर्तन, नाटक जैसे कलाओं की तरफ आकर्षित थे। कभी कभी शाला के अपने मित्रों के साथ भगवान का भजन और आरती करते थे और सबको प्रसाद भी बांटते थे। इन सब कामों से उनको बहुत आनंद मिलता था। एक दिन अचानक एक हादसा हुआ। सत्यनारायण पैदल जा रहा था और एक सांप ने उन्हें डस लिया। इसके पश्चात बाबा बेहोश हो गए। घर में सब लोग घबरा गए और उन्होंने वैद्य को भी बुलाया। वैद्य जी ने बहुत प्रयत्न किया पर कोई असर न हुआ। बाद में मंत्र से ठीक करने की भी कोशिश की गई पर असफल रहे। कुछ समय के बाद बाबा स्वयं अपनी ही शक्ति से ठीक हो गए। इस विचित्र हादसे के पश्चात बाबा सिर्फ भगवान के नाम में लीन हो गए। हर पल वो भजन, कीर्तन और भगवान के कार्य में ही व्यस्त रहते थे। उनके पिताजी पेद्दराजू एक दिन तंग आकर उन्हें मारने के लिए एक छड़ी लेकर बोले कि तुम पे कौन सा भूत सवार है जो तुम इस तरह कर रहे हो। सत्यनारायण ने शांत होकर कहा कि मैं साई बाबा हूं। साई बाबा हमेशा सत्य बोलता है। गुरुवार के दिन मेरी पूजा करो और अपना मन शुद्ध रखो। बाबा ने अपने हाथ में जूही के फूल लिए और जमीन पर बिखेर दिए और ये फूल अपने आप साईं बाबा के अक्षर बन गए। ऊर्वकुंड में वो अपने बड़े भाई के घर रहते थे। इस हादसे के बाद एक दिन अचानक वे अपनी भाभी से कहने लगे कि मैं साईं बाबा हूं, मेरा यहां रहना संभव नहीं है। मैं किसी का नहीं हूं, मुझको बहुत से काम करने हैं, मैं अब यहां नहीं रह सकता।
थोड़े दिन के बाद बाबा के माता पिता उन्हें पुट्टपर्ती ले गए, परंतु सत्य साई बाबा अपने घर में नहीं गए, वे सुब्बम्मा के घर में रहने लगे। सुब्बम्मा ने बड़े प्यार से 4 साल तक बाबा की देखभाल की। बाबा अपने भजन कीर्तन एक छोटे से कमरे में करते थे और लोग दूर दूर से ये महान भक्त के दर्शन को आते थे। उन सब के खाने पीने का प्रबंध स्वयं बाबा करते थे। बाबा की लीला का समाचार दूर दूर तक फैलने लगा। जितने भी लोग आए सबको खाना मिलता था। बाबा ने कई भजन लिखे। इन भजनों में शिरडी के द्वारका माई, पूठी मंदिर, उड़ी सभी का जिक्र है। कभी कभार ऐसा होता था कि बाबा कई कई दिन तक गायब रहते थे। पूछने पर बाबा कहते थे कि वे लोक सेवा को गए थे। की कहानी धर्म की कहानी है, साईं की कहानी धर्म की कहानी है, सत्य की कहानी चंद्रिका सुहानी है, सत्य की कहानी चंद्रिका सुहानी है, साईं की कहानी धर्म की कहानी है, साई की कहानी धर्म की कहानी है। विष्णु शिव अवतार साईं है, तीनों लोकों के आधार साईं है, करते सभी का महोद्धार साईं है, देवगण भी साईं के महाभिमानी है। साईं की कहानी धर्म की कहानी है, साईं की कहानी धर्म की कहानी है। अवतार साई का धन्य हुआ जन्म ईश्वरम्मा माई का, साई ने अंत किया विष की रवाई का, जीवन की गरिमा का साई दानी है। साई की कहानी धर्म की कहानी है, साई की कहानी धर्म की कहानी है।
अवतार साई जी को मान कर शिशु सत्य साई को सनत जान कर उनको लिपट लेता सांप आन पर नीलकंठ त्रिकालज्ञ साई ज्ञानी है साई की कहानी धर्म की कहानी है साई की कहानी धर्म की कहानी है चलते वे जो जगत गुरु है शाला में भी सींचते वे भक्ति तरु है देता प्रसाद उन्हें सुखा मरु है वृद्ध को वो देते बल और जवानी है साई की कहानी धर्म की कहानी है साई की कहानी की कहानी है बाबा का ये कहना है
कि वे 16 साल लीलाएं करेंगे, फिर 16 साल उनकी महिमा का प्रचार होगा और उसके पश्चात जग को उपदेश देंगे। मगर लीलाएं और महिमाएं भी साथ साथ चलती रहेंगी। बाबा के भक्तों ने बाबा के चेहरे में तीसरी आंख भी देखी है। कहते हैं कि हर तरह के रोग को बाबा ठीक करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कैंसर, अल्सर और कई बीमारियों को बाबा की विभूति से ठीक किया जा सकता है। अब क्योंकि पुराना मंदिर छोटा पड़ने लगा, उसे बड़ा बनाया गया और इस मंदिर के लिए एक शिवलिंग की आवश्यकता थी, तो बाबा ने अपने पेट से शिवलिंग निकालकर महाशिवरात्रि की रात एक छोटे से कमरे में उसकी स्थापना की। इसी को प्रशांति निलयम कहा जाता है। जब एक बार मद्रास से वे मछलीपट्टनम गए तो वहां दरिया में लोगों ने बाबा को शेष साई के अवतार में देखा। वे दरिया में मौजों पर सोए थे। बाबा ने पानी से अमृत निकालकर अपने भक्तों को दिया। बाबा अपने भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। सब धन है साईं के कर में, सभी धन्य साईं के पुर में। सब धन है साईं के कर में, सभी धन्य साईं के पुर में। प्राण जगाते सब रक्षित है प्रभु मंदिर में। सब धन है साई के कर में, हाँ सभी धन्य साई के पुर में। Thank you.
के पुर में किसी का हूं यूं कहते भगिनी का घर तज कर बहते करुणाम्बुधि बन जन कर गहते साई छा जाते नर नर में सब धन है साई के घर में सभी धन साई के पुर में पटनम जा सागर में देव शेष साई बन शर्मे सुधा जना जल से कर कर में भर कर देते सबको पुर में सब धन है साई के कर में सभी धन्य साई के पुर में सब धन है साई के कर में बाबा ने इन्हीं दिनों में एक परदेशी सर कोहन नामक एक अमेरिकन जो मरे हुए थे उन्हें जीवित कर दिया। ऐसी ही एक चमत्कारी घटना में बाबा ने एक असहाय औरत को शिशु जन्म के वक्त एक वैद्य की भांति सहायता की। जब लोगों ने पूछा कि डिलीवरी किसने की तब उस औरत ने बाबा की तस्वीर की तरफ इशारा किया। बाबा की लीला अद्भुत है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे ही मन को भी खिलाना पड़ता है। वो कैसे? जप, ध्यान और भगवान का नाम स्मरण। बाबा के 50 साल पूरे होने तक हर एक जन्मदिन पर बाबा ने स्वयं अपने चमत्कार से शिवलिंग का निर्माण किया। उन लिंगों के अभिषेक का जल बीमार लोगों में बांट दिया जाता है। प्रशांति नीलम में एक बूढ़ी औरत है। इस औरत के अनुभव से आप खुद बाबा की महिमा का अंदाजा लगा सकते हैं। उस औरत के पिता कलेक्टर थे। वो औरत अपने चारों बच्चों और पिता सहित शिरडी आई। तब उस औरत की आयु लगभग 30 साल थी। परंतु उसके पश्चात 1917 में उनके चारों बच्चों की मौत हो गई और वो औरत जिंदगी से निराश होकर शिरडी साईं बाबा के पैरों पर गिरकर उपदेश और शिष्यता मान करने के लिए मांगने लगी। लेकिन बाबा कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि तुम मेरी शिष्या तब बन सकती हो जब मेरा पुनर्जन्म आंध्र प्रदेश में होगा। कई साल के बाद उन्हें खबर मिली कि उर्वकोण में एक लड़का अपने आप को शिरडी साईं बाबा का अवतार मानता है। वे दर्शन के लिए उर्वकोण चली आई और आते ही बाबा से कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरा सपना पूरा हो गया। बस उसी दिन के बाद से ही वे सत्य साई बाबा की सेवा में बाबा के साथ ही प्रशांति निलय में बस गई तो शिरडी साई बाबा की वाणी सत्य निकली।
सत्य साई बाबा कहते हैं, आओ मेरा अनुभव करो, मुझ पे विश्वास करो, मैं कोई जादू नहीं करता हूं। जादू दिखाने का मकसद सिर्फ आपको मेरे निकट बुलाना है। बाबा बच्चों से शिस्त और संयम कायम करने की शिक्षा देते हैं और अच्छा बोलने को कहते हैं, क्योंकि दुनिया को उनकी जरूरत है। डॉक्टर श्लोक की पत्नी का पैर ठीक नहीं था, कई इलाज किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर श्लोक और उनकी पत्नी बाबा के दर्शन को आए। बाबा को देखते ही डॉक्टर श्लोक की पत्नी का पैर ठीक हो गया। इसके पश्चात डॉक्टर श्लोक और उनकी पत्नी महाशिवरात्रि की रात को बाबा के मुंह से शिवलिंग निकलते देखा। उस लिंग में उन्होंने अग्नि सी देखी। अगली शिवरात्रि में वही लिंग सोने की दिखाई दे रही थी। 1974 में ऐसी ही एक और घटना में डॉक्टर श्लोक और साथी कार में प्रयाण कर रहे थे। वे बाबा के भजन में लीन हो गए थे। तब डॉक्टर श्लोक को एक आवाज सुनाई दी। डॉक्टर श्लोक ने पीछे मुड़ के जब देखा तो बाबा का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो नील वर्ण हो रहा था। देखते देखते बाबा का नील वर्ण चेहरा फिर असली रूप में आ गया। इस घटना से साबित होता है कि बाबा कृष्ण के भी अवतार हैं। सत्य साई झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई बिहारी चांदी के झूलने में पड़ती बिहारी
झूले ना झूले सत्य साई ना झूले सत्य साई सबकी प्रभु झोली भरेंगे भक्ति से सबकी प्रभु झोली भरेंगे भक्ति से सबकी प्रभु झोली भरेंगे भक्ति से सबकी प्रभु झोली भरेंगे झूलना झूलाने से पाप कटेंगे पाप कटेंगे झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूलना झूले सत्य साए झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साए झूला रे झूला झूला रे झूला झूला रे झूला झूला रे झूला झूलाने दो जीवन भर साई झूलाने दो जीवन भर साई झूलना झूलाने दो जीवन भर साई झूलाने दो जीवन भर साई झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूले रे झूले झूले झूलना झूले झूलना झूले सत्य साई झूले झूला 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 झूला
बाबा का कहना है, अल्लाह कहो चाहे ईश्वर कहो, बुद्ध नानक महावीर कहो, शिरडी साई कहो, परती साई कहो, ईसा पिता जोराष्ट्र कहो, जिस नाम से शांति मिले तो वही नाम बार बार कहो। सत्य साई बाबा ने पुटपर्ती में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की है। लड़के और महिलाओं के लिए हॉस्टल भी है। 1917 में उन्होंने महिलाओं का कॉलेज की स्थापना की है। 1980 में सत्य साई बाबा ने साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग पुटपर्ती में शुरू किया है। बाबा इस इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं। प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा है। शाला और कॉलेजों के परिणाम हमेशा 100% होती हैं। यहाँ के छात्र अपना हर काम खुद करते हैं, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह। नवंबर 23, 1994 के दिन बाबा ने हमारे प्रधानमंत्री को पुटपर्ती बुलाया, आनंदपुर जिले के लिए एक पानी का प्रोजेक्ट का अनुरोध किया। रॉयल सीमा में पानी का अभाव था। अब श्री सत्य साई बाबा ने पानी का प्रोजेक्ट शुरू किया। टैंक और डैम से पानी को जमा किया जाएगा। गर्मी के दिनों में बड़ी पाइपलाइन डाली जाएगी। दूर दूर तक बड़े टैंक बनेंगे जिसमें तुंगभद्र नदी से पानी भरा जाएगा। ये सारी योजना बाबा के अपने 70वें जन्मदिन तक पूरा हो जाएगा। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। Everybody loves Sai, Sai loves everybody. Everybody loves Sai, Sai loves everybody. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Shirdi wale Sai. साई से, साई सबसे प्यार करे। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। Everybody loves Sai, Sai loves everybody. Everybody loves Sai, Sai loves everybody.
इस युग में स्थल से निकाल कर हनुमत शक्ति जगाते हैं। साईं सबको ज्ञान मान धन देकर धन्य बनाते हैं। अमृत शुद्ध स्थल से निकाल कर हनुमत शक्ति जगाते हैं। सत्य साई कहते हैं, मेरा जीवन मेरा संदेश है, तुम्हारा आनंद ही मेरा आनंद है। मेरे इस मानव जीवन ने 70 साल देखे हैं। साईं बाबा सुबह से लेके रात तक अपने भक्तों को उपदेश, दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। बाबा यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और पानी की योजना, इन सब कामों में अपना समय बिताते हैं। सत्य, धर्म, प्रेम और अहिंसा जो बाबा सिखाते हैं वही सत्य है, और उनका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। बाबा भटकती आत्माओं को शांति देते हैं। बाबा प्रेम अहिंसा के पथ पर चलने को कहते हैं। सारे लोगों को इस अवतार पुरुष से सुख प्राप्त हो। जो रास्ता बाबा ने दिखाया है, सारे देश के लोग उसी रास्ते पर चले, सुख शांति और प्रगति में रहे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सुन लो दिल की सुन लो, हम अपने प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करती हूँ आज का जो एक घंटे का प्रोग्राम हम भगवान श्री सत्य साई पर आधारित किए थे आपका मन भाया है। इन्हीं शब्दों से प्रतिमा अब प्रोग्राम को विराम देती है और आपसे आज्ञा लेती है। ओम साई राम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब और किंचो।
నీరులే సన్నిధే మాకు పెన్నీ